बेटियों के गुनहगारों पर कैसे योगी सरकार सख्त है उसकी वानगी आपको बताते हैं। यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के साथ यूपी की पुलिस सख्ती से निपट रही है। किसी भी जगह वारदात हो पुलिस का एक्शन स्विफ्ट हो रहा है, ऐसा ही मेरठ में देखने को मिला। मेरठ पुलिस ने रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया है। इसमें नाबालिग के रेप के आरोपी ताबिल के पैर में गोली लगी है। दरअसल मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़की मदरसे में पढ़ाई करने जा रही थी, तभी उसके मकान मालिक का बेटा तालिब उसके पास पहुंचा और उसे जबरन एक कमरे में ले गया, जहां उसने नाबालिग को एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। नाबालिग की हालत बिगड़ी तो आरोपी उसे वहीं कमरे में बंद कर फरार हो गया। इसी बीच पुलिस तालिब की तलाश में जुटी हुई है। रविवार को जैसे ही पुलिस को आरोपी तालिब की लोकेशन का पता चला, उसे मेरठ के ततीना रोड पर घेर लिया गया। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो भले ही उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर चाहे कितनी भी सियासत क्यों ना हो जाए, लेकिन योगी की पुलिस ने ठान लिया है कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, खासकर वो लोग जो बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। थाना लोहिया नगर के जमुना नगर क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। इसमें एक तालिब नाम का बदमाश वांछित चल रहा था। आज थाना लोहिया नगर पुलिस को सूचना मिली कि ये ततीना रोड के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के इलाके की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इसने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको पैर पे गोली लगी है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं और इसीलिए यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे ऑपरेशन चल रहा है इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे मेरठ हो, सुल्तानपुर हो, गाजीबाद हो, अयोध्या हो, बुलंदशहर हो, जौनपुर हो, नोएडा हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका हो जहां बदमाशों के होने की जानकारी मिलती है, यूपी पुलिस एक्टिव होती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है और जब आरोपियों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाती है तो पुलिस भी उसी अंदाज में इन बदमाशों से निपटने की कोशिश करती है और इन पर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया जा चुका है और कई बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी वाली घटना हो, चाहे गाजीबाद में घटना हो, मेरठ में बेटी के साथ बर्बरता की घटना हो, हर जगह योगी सरकार की सख्ती बदमाशों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब देखिए मेरठ में रेप का आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सियासत इस वक्त अपराधियों की जात को लेकर की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की सिलेक्टिवनेस को लेकर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच वो समाजवादी पार्टी जो इन अपराधों को लेकर योगी सरकार को घेरती है, वो कैसे सवालों के घेरे में है आपके सामने रखती हूं। अयोध्या और कन्नौज के बाद अब मऊ से एक घटना सामने आई है जो समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकती है। यहां भी एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि वकील और समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता है वीरेंद्र बहादुर पाल पर उसकी ही सहयोगी वकील ने रेप और शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज होते ही पूर्व सपा नेता फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये आरोप लगा है और इस आरोप के बाद नेताजी भाग खड़े हुए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आरोप ये लगा है कि साथी वकील के साथ रेप किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब ये कौन है शख्स, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो ये तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही है। अखिलेश यादव के साथ आरोपी का फोटो है और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के लड़कों से गलती क्यों हो जा रही है। ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। वीरेंद्र बहादुर पाल का जो राजनीतिक रसूख है वो आपको आइए समझाती हूं। वीरेंद्र बहादुर पाल की मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है तो दूसरी तस्वीर में मुलायम सिंह यादव के साथ बैठा हुआ दिख रहा है। तस्वीर बताने के लिए काफी है सपा के बड़े नेताओं के साथ उसकी कितनी नजदीकी रही है। वीरेंद्र बहादुर पाल साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुका है। उसका मऊ जिले में अच्छा खासा रसूख भी माना जाता है। रसूख क्या है उसका, ये दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं।
आइए आपको जल्दी से मामला समझा देती हूं। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उसकी सहयोगी महिला वकील ने जो आरोप लगाए हैं वो आपके सामने रख रही हूं। महिला वकील का आरोप है कि वीरेंद्र बहादुर पाल के साथ कोर्ट में साथ काम करने के कारण उसकी जान पहचान थी। इसका फायदा उठाकर वो अपने साथ गाड़ी में ले गया जहां उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें ड्रग्स मिलाया गया था। फिर जब वो बेहोश हो गई तो वीरेंद्र बहादुर पाल ने उसके साथ रेप किया। इस वारदात का उसने वीडियो भी बना लिया जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। महिला वकील ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि वीरेंद्र पाल ने फोटो लीक होने का डर दिखाकर उससे 4 लाख रुपए और उसकी गाड़ी भी ले ली। जब वो अपने पैसे और गाड़ी वापस मांगने गई तो उसने पिटाई कर दी। ये आरोप महिला वकील की तरफ से लगाए गए हैं। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया है। क्या करते हैं? पेशे से अधिवक्ता हैं। वीरेंद्र बहादुर जिसका नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है उसका कद कितना बड़ा है और वो राजनीति से लेकर वकालत में अपनी जो पहचान रखता है वो आपको बताती हूँ। वीरेंद्र बहादुर समाजवादी पार्टी का नेता रहा है। 2022 में वो प्रदेश सचिव पद पर भी रहा। पेशे से वो दीवानी कचहरी का वकील है, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका है। वीरेंद्र बहादुर का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। उसके पिता दयाराम पाल BSP से विधायक रह चुके हैं और ये जो नेताजी हैं इनका संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आ रहा है। तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक उनके नेताओं के साथ रेप के आरोप जुड़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर आरोप है। सवाल है कि आखिर सपा में कितने वैशी हैं, कितने भेड़िए सपा में छिपे हुए हैं। हाल में अयोध्या के सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था। मोहित खान अयोध्या में भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है। मामला सामने आने के बाद योगी ने सख्ती दिखाई। मोहित खान फिलहाल सलाखों के पीछे है, उसकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अभी भी मोहित खान समाजवादी पार्टी में बना हुआ है। इस घटना के बाद ही डीएनए की जो बहस है, डीएनए जांच की जो बहस है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से छेड़ी गई थी। मोहित खान के बाद कन्नौज में भी एक ऐसा मामला सामने आया था कि यहां भी एक बेटी के साथ अभद्रता की गई थी, बर्बरता की गई थी, अश्लीलता की गई थी और यह मामला नवाब यादव से जुड़ा हुआ था जो अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। नवाब यादव भी फिलहाल जेल के अंदर। डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है और उनके कोल्ड स्टोरेज पर योगी का बुलडोजर भी चल चुका है। अब नंबर वीरेंद्र बहादुर पाल का है जिस पर एक साथी महिला ने ही आरोप लगाया है कि उसने जबरदस्ती की, फिर डर दिखाया फोटो वीडियो वायरल करने का और उससे पैसे की वसूली भी की गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी क्या जवाब देती है, अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि फिलहाल समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव आए दिन योगी सरकार पर नए आरोप लगाते हैं और इसी का जरिया सुल्तानपुर एनकाउंटर भी है जिस पर अखिलेश यादव नए नए खुलासे रोज करते हैं। इस पर नॉनस्टॉप सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस लगातार योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जौनपुर जा रहे हैं। वो मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगेश यादव के घर जाकर मुलाकात की थी। एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि मंगेश की जात देखकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अपराधियों की जात देखकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है, ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जाता है। तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, सब मंगेश यादव को लेकर फुल ऑन सियासत जारी है।